हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत वाहिनी पार्टी ने भी गुरुवार सुबह जयपुर में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर बनाए गए इस घोषणा पत्र को पार्टी के संयोजक घनश्याम तिवाड़ी ने दृष्टि पत्र का नाम दिया है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि ये दृष्टि पत्र लीक से हटकर केवल चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, जनमत को ध्यान में रखकर नहीं, पर जनगणना को ध्यान में रखकर किया गया है। केवल वोट लेने के लिए नहीं और वोट तक सीमित नहीं, लेकिन राजस्थान के नव निर्माण का बृहद दृष्टिकोण लेकर हमने ये काम किया है, पहला। दूसरी बात यह है कि जितने भी घोषणा पत्र होते हैं वो घोषणा पत्र बेमानी हो गए। जिन जिन पार्टियों ने जब जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किए और उनकी जो बातें पूरी नहीं की, उनके लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान न तो जनप्रतिनिधित्व कानून में है और न अन्य कानूनों में। इस कारण से असत्य का बुलंदा और भरमार घोषणाओं के करके, मनमोहक वादे करके जनता के वोट प्राप्त करने का एक तरीका मात्र रह गया है। हम और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि न तो कोई कोर्ट हमको रोक सकेगी और न कोई कानून हमको रोक सकेगा, और अगर हम भारत वाहिनी पार्टी सत्ता में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी होगी तो सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर हम 14% आरक्षण इन वर्गों को दे देंगे। और इस ईबीसी वर्ग से मेरी अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उसके साथ विश्वासघात किया है और कांग्रेस पार्टी जिसने इनके लिए कभी इस प्रकार का काम नहीं किया, इन दोनों पार्टियों को वोट न देकर एक बार अपनी ताकत दिखा दे ताकि आरक्षण सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो जाए। तो वो उसका सिस्टम है, वो हम लागू इसलिए कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग का मुझे अनुभव था और हमने 1,18,000 से अधिक लोगों को बिना किसी न्यायालय के आदेश के, कोर्ट के स्टे के नियुक्ति दे दी और किसी प्रकार की उसमें बेईमानी का या शिकायत का कोई गुंजाइश नहीं रही। तो हम उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से इनको हम सरकारी नौकरियां देंगे। दूसरा हमने इसमें किया है सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय की लड़ाई का इसमें हम लिखा है, और हम ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक बना है इसके अध्यक्षता लोकेश जी शेखावत जो हमारे इसके अध्यक्ष थे, और दयाराम जी मेहरिया जो हमारे महामंत्री थे, और अशोक जी यादव जो हमारे संस्थापक महामंत्री हैं। इन दो शिक्षाविदों के कारण से यह बहुत अच्छा दृष्टि पत्र बन पाया है। मुझे तो केवल इतना ही श्रेय मिलेगा कि मैं इसको जारी करूंगा, बाकी इसका श्रेय लोकेश जी को, दयाराम जी को है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।